बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल दाल बड़े इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दाल बड़े बनाने के लिए हमने जो अज़ा लिए हैं वो दिखा रहे हैं आपको। ये है चना दाल और मूँग की दाल। हमने 200 ग्राम चने की दाल ली है और 100 ग्राम जो है मूंग की दाल ली है। इसे हमने 6 घंटा भिगा दिया था। आप कम भी भिगा सकते हैं, 5 घंटे भी भिगा के इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा ज़्यादा भीग गई है ये, और इसको पानी की निथार लिया है हमने इसका। इसमें जो दूसरी चीज़ें लगेंगी वो है ये 2 प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्चें जो है हम साथ में ही पीस लेंगे। ये कड़ी पत्ता है इसको भी साथ में पीस लेंगे। ये अदरक हमने बारीक काट के रखी है, ये हम इसमें ऐसे ही शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। ये पुदीना है और ये हरा धनिया है, इसको बारीक हमने काट लिया है। इसके अलावा ये काली मिर्च एक चम्मच भर के, एक चम्मच भर के ज़ीरा है, और ये हमने सूखी लाल मिर्चें ली है। इसे हम ये मसाले को हम दरदरा पीसेंगे और इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें से ही थोड़ी दाल हमने निकाल ली है और ये दाल की हम चटनी बनाएंगे जो वड़े के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमने इसमें से एक आधी कटोरी करीब दाल निकाली है भिगी हुई। ये थोड़ा पुदीना है, हरा धनिया है, ये कैरी ली है, अगर कैरी नहीं है तो आप लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा है एक चम्मच भर के, एक हरी मिर्च है और लहसुन है। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो आप 2 मिर्चें भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं, अब चख के देखेंगे, अगर हमको लगा कि फीका है तो हम एक मिर्च और डाल देंगे उसमें। तो अब जो है शुरू करते हैं। पहले ये दाल को हम क्या करते हैं, दरदरा पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिला लिए हैं, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके वड़े बनाते हैं और तल के आपको दिखाते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप हाथ में पानी लगा लो, नहीं भी लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आटा जो है स्मूथ है और ज़्यादा उसको हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँच स्लो रखी है, अब इसको मीडियम कर देंगे हम। छोटे बड़े आपको जैसे बनाने हैं आप बना सकते हैं। सिर्फ चने की दाल से भी बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि पूरा चने की दाल खाने से जो है तकलीफ़ होती है, अक्सर लोगों को पेट में तकलीफ होने शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो है अगर मूंग की दाल मिलाई जाए तो वड़ों का टेस्ट भी बढ़ जाता है और तकलीफ भी नहीं देते हैं। ये सारे हम तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये वड़े हम जो है बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं, इसको मीडियम आँच पर ही हम तल रहे हैं। अच्छी तरह से इसको क्रिस्प होने के बाद में हम निकाल लेते हैं। फूले भी है ये, और इसमें जो दालें कुछ साबुत रह गई थी वो बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्प हो जाती है। और बहुत तेज़ आँच पे, हाई आँच पे आप तलोगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और स्लो पे तलोगे तो तेल पी लेंगे। तो ये हम ऐसे ही तलेंगे, इसको मीडियम हीट पे ही तल रहे हैं हम। मतलब ये सुनहरे रंगत पर आ गए हैं, अब इसे हम निकालते हैं। चटनी भी हमने बना ली है। नाज़रीन, ये वड़े हमने तल के निकाल लिए हैं। अब ये बाकी का जो है, बाकी बचा हुआ आटा है, इसके भी हम वड़े तल लेते हैं और फिर आपको जो है डिश आउट करके दिखाएंगे। हमने चटनी भी बना ली है, जो आपको बताई थी यही दाल की हमने चटनी बनाई है। वो चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, और ये दाल के साथ में, ये दाल के वड़ों के साथ में आप उसे सर्व कर सकते हैं। ये सारे वड़े तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये वड़े जो है तल लिए हैं और ये बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छे बने हैं, और ये हमारी जो दाल थी उसकी चटनी भी बहुत लजीज और बहुत अच्छी बनी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। ये रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।